ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, जो जातक के जीवन में विभिन्न कठिनाइयों का कारण बन सकता है। राहु और केतु असुखी घड़ियालों की छाया के रूप में संदर्भित होते हैं और इनके दोष व्यक्ति को सांसारिक, आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। यह विशेषकर जन्म कुंडली में राहु केतु के प्लेसमेंट और दशाओं के साथ जुड़ा होता है। राहु केतु के दोषों के कारण लोग अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर कई समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए कई उपायों का सुझाव बताया गया है। रत्न शास्त्र में राहु दोष को शांत करने के लिए गोमेद रत्न की सिफारिश की जाती है, जिसे ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ भी समर्थन करते हैं। इसे धारण करने का उपाय शनिवार को किया जा सकता है और इसकी प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह प्राप्त की जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपाय राहु दोष को दूर करने में सहायक हो सकता है। परंपरागत धारणा के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में केतु का दोष होता है तो उन्हें सुझाया जाता है कि वे हमेशा अपने पास हरे रंग का रुमाल रखें। इस तरीके से मान्यता है कि हरे रंग का रुमाल धारण करने से केतु के दोष को शांत किया जा सकता है। आधारित ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कन्याएं रविवार को दही और हलवा खाने का सुझाव लाभकारी मानी जाती है। यह मानव जीवन में केतु के दोष को कम करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जीवन की स्थिति में सुधार हो सकता है और अनच्छे समयों में संबंधित परेशानियां कम हो सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी गरीब कन्या का विवाह कराना या उनके विवाह में सहयोग करना राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकता है। इस तरीके से किया गया सहयोग धीरे धीरे उन दोषों को मिटा सकता है और व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञों के अनुसार राहु केतु के संबंध में 20 मंत्रों का जाप करने से भी दोषों का समाधान संभव है। इस प्रकार राहु केतु के दोष से प्रभावित व्यक्तियों को इन 20 मंत्रों का नियमित जाप करना शुद्धि और शांति की दिशा में सहायक हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण की तस्वीर रखने और नियमित पूजा करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से इस उपाय की प्रभावशीलता मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म कर्म के ज्ञानी पंडितों के अनुसार मां भगवती की पूजा करने से राहु केतु के दोष कम हो सकते हैं। इसका कारण है कि दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा को छाया रूपेण संस्थिता माना गया है, जो राहु केतु के छाया ग्रहों के साथ संबंधित हैं। इस प्रकार मां दुर्गा की पूजा अर्चना का अनुसरण करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में मदद की जा सकती है।